केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। गाजियाबाद के दासना मंदिर में आज हिंदुओं की महापंचायत न होने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग लगाकर उधर आने वालों को रोक दिया गया है। मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि पुलिस मंदिर आने वाले लोगों को नहीं आने दे रही है। उधर पुलिस का साफ कहना है कि जिले में सीआरपीसी की धारा 163 लागू है, पुलिस ने इस आयोजन की कोई परमिशन भी नहीं दी है। इस बीच आज सुबह वहां मौजूद संतों से पुलिस की भिड़ंत भी हुई। पुलिस जहां उन्हें महापंचायत न करने की मान मनोवल में लगी थी, तो साधु सन्यासी अपनी जिद पर अड़े थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब साधुओं ने बाहर सड़क पर आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। इसके बाद पुलिस कई साधुओं को जबरन जीप में डालकर ले गई। वर्तमान में वहां मंदिर गेट पर साधु सन्यासियों ने धरना शुरू कर दिया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत दासना मंदिर के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के मोहम्मद पैगंबर पर दिए गए विवादित बयान से हुई। इस कथन का व्यापक असर हुआ। कई जिलों व राज्यों में मुस्लिम समाज सड़क पर उतारा। वे सभी यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। दासना मंदिर को भी रात में ही घेर लिया गया। पुलिस ने किसी तरह बिगड़े हालत पर काबू पाया। पहले देखिए आज सुबह साधु संतों व पुलिस के बीच होती झड़प। तुम मरवा दो भैया, तुम मरवा करके अपनी समस्या खत्म करो। आप साइड में दर्शन कह रहे हो, आप साइड में हो जाओ। देखो पंचायत वाले नहीं है तो रोका ये बात मान। देखो मंदिर हमारा है, हमें कैसे चलाना है हमें पता है, मंदिर कैसे चलाना। भक्तों को रोकोगे क्या? नहीं, भक्तों को रोकोगे क्या मंदिर में? जो पूजा करने आ रहे हैं उनको रोकोगे क्या मंदिर में? नहीं, ये बताओ मंदिर आपका है कि नहीं है? है तो भक्त नहीं जाएंगे क्या? नहीं भक्त जाएंगे नहीं क्या? अरे एक काम करो, सारे के सारे सामूहिक आत्महत्या करेंगे। चलो वही चल रहे ना, वही नहीं मंदिर में चलो। भारत में नहीं है क्या? अब पंचायत जितने महाराज हैं सब तेल लेगा मिट्टी का और आओ सर आग लगाएंगे। वही चलो, हम चल रहे रोड पे, इतने अंदर का हम रोड पे आग लगाएंगे। पुलिस परेशान कर रही है। अब देखिए किस तरह उन्हें धमकाते हुए धकियाते हुए जीप में डाला गया। हेलो क्या कह रहे? हेलो हेलो हेलो, ये सन्यासियों को हाथ मत लगा सकते तुम, बवाल मच जाएगी। तू सन्यासियों में हाथ मत लगाओ। भारी बालियान जी, बालियान जी एक मिनट आओ इधर, अभी देखते हैं। गाड़ी में रख दिया। अरे स्वामी जी, वो कहाँ गए स्वामी जी? इसके विरोध स्वरूप सभी साधु संत मंदिर गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। मेरठ से गए हिंदुवादी नेता सचिन ने इस मौके पर यह कहा। रात कल शाम 4 बजे मेरठ से आ गए थे, पूरी रात हम लोग यहाँ रुके और कल रात के 9 बजे से 8 बजे के बाद जो यहाँ के गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से सामानों की आना जाना बंद करा, गद्दे तक नहीं आने दिए, पूरी रात इन्होंने जो है पूरा सील करके रखा। सुबह भी बड़ी मुश्किल से कुछ लोग आना चाह रहे थे, सुबह 5 बजे से जो लोग देहरादून से, हरिद्वार से, आपका हिमाचल से, दूर दूर से, अन्य प्रदेशों से भी जो लोग यहाँ आ रहे थे, उन्हें सबको रोका गया। उन सबको रोका गया और रोकने के साथ साथ उनको कह दिया गया कि एसएचओ साहब ने मना करा है, सुबह 7:30 बजे के बाद एंट्री होगी। जबकि 7:30 बजे भी जब वो लोग यहाँ आए तो उनके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी गई। और जब यहाँ से हमारे साधु संत, कुछ हिंदू संगठन के लोग, हम जैसे लोग जब गए बाहर उन्हें अंदर बुलाने के लिए, केवल 2 या 3 लोग थे, वो कोई 200-300 की भीड़ नहीं थी। और उन 2-3 लोगों के लिए भी वहाँ पे जो हमारे साधु संत थे, जो कुछ साधु संत थे, कुछ लोग थे हमारे हिंदू संगठन के भी, उनको जबरन 3 लोगों को, एक साधु संत थे, 2 साधु थे, उसमें एक जो है हिंदू संगठन के लोग थे, उन्हें जबरन जो है इंस्पेक्टर, जो यहाँ रेव सिटी इंस्पेक्टर हैं चौहान, उन्होंने जबरन उन्हें जो है गाली गलौज करते हुए, बदतमीजी करते हुए, उन्हें जबरन मार पिटाई, लाठीचार्ज करते हुए उन्हें गाड़ी में डाला। और गाड़ी में डालने के बाद
इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उनके खून तक निकला है, और इसका जवाब SHO जो लेके गए हैं वो देखें कि उन्हें किसने अधिकार दिया। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि आप साधु संतों को लाठी डंडे मार के जीप में जबरदस्ती धकेलते हुए लेके जाओगे? ये किसके आदेश पे SHO ने कार्रवाई करी है? ये SHO ने जिसके आदेश पे करी है उससे भी कार्रवाई चाहिए, SHO पे भी कार्रवाई चाहिए। और जिस तरीके से हमारे मंदिर को पूजा पाठ नहीं होने दिया, हमारे मंदिर में कल से अब तक ड्रामा बना के रखा है, एक केवल हिंदू महापंचायत तो बुलाई थी, कोई गलत तो किया नहीं था, और वो भी इस विषय पर बुलाई थी मंदिर की सुरक्षा को लेकर। जब यहाँ 2,000-3,000, 4,000, 5,000, 10,000 आदमी चढ़ेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, करने की पूरी कोशिश करेगा, वो तो बच गए उस दिन हमारे यति नरसिंहानंद महाराज जी। उनकी सुरक्षा को लेकर, मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो हमने बैठक बुलाई आज, हमें साधु संत आए, तो अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान आप करे जा रहे हो, कितना अपमान हिंदू से। हमारा केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये निवेदन है, और जनता, जितनी जनता हमारी सड़कों पे बैरियर पे रुक रखी है, उनके चलान काटे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों, क्या पाप करा है? क्या आज इस युग में, इस प्रदेश में जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की, क्या हमारे चलान काटे जाएंगे? मंदिर आना सबका अधिकार है, सब हिंदुओं का अधिकार है, पंचायत अलग विषय है और मंदिर में आना अलग विषय है। मंदिर का पूजा पाठ जब ऐसा ही हो रहा है तो सबने निर्णय किया है कि इस मंदिर का ताला लगेगा, हम सड़क पे बैठेंगे, और जैसे 3 लोगों को थाने ले जाया गया, जेल भेजा जाया, चाहे 50 लोग हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो, आज आप डासना की जेल भर दो, डासना की जेल जितनी आप भर सकते हो, जितने लोग भी आप उठा के अरेस्ट कर सकते हो आज कर दो, इतिहास में पता लगे कि विधर्मियों के साथ सरकार चल रही है, हिंदूवादी लोगों के साथ, हिंदू संगठन, हिंदू विचारधारा के लोगों के साथ सरकार। मुख्यमंत्री जी आपको भी जाएगा, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? क्यों मंदिरों के कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, या तो आप हमें शूट एंड फर्स्ट एड के ऑर्डर देके मरवा दीजिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करिए, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करिए। आज महादेव और महाकाली माँ, डासना वाली माँ को साक्षी मान करके हम सभी ये प्रण लेते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, मेरे महाराज जी को सुरक्षित यहाँ मंदिर परिसर में नहीं लाया जाएगा, और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्थित नहीं की जाएगी, हमें चाहे प्राणों की आहुति देने पड़े, हम यहीं पर बैठे हैं। हम सभी मंदिर के गेट पर ताला लगा करके बाहर बैठे हैं, पता तो चले कि हिंदूवादी सरकार में और संतों की अगवानी में संतों को पीटा गया और एक मंदिर में ताला लग गया। हर हर महादेव। इस अपडेट पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।